कोरोना वायरस कोविड-19। दिसंबर के आखिरी महीने में कोरोना का जब पहला केस सामने आया था, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह आगे पूरी दुनिया में कहर बरपा देगा और 5 लाख आबादी अस्पतालों में और 5 अरब घर के अंदर बंद होगी। कोरोना वायरस ने अपना असली रूप मार्च में दिखाना शुरू किया, जिस महीने अकेले 4 लाख लोग इसकी चपेट में आ गए। चीन के वुहान शहर में सबसे पहले दस्तक देने वाले इस वायरस ने पूरी दुनिया का भ्रमण कर लिया है और जो जो इसके रास्ते में आया, इसने हर किसी को अपनी चपेट में ले लिया। मरने वालों की संख्या 24,000 का आंकड़ा पार कर गई है और संक्रमित लोगों की संख्या 5 लाख से ज्यादा हो गई है। कई देशों ने लॉकडाउन को विकल्प के रूप में चुना है तो कुछ ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करने पर ध्यान दे रहे हैं। इन सब के बीच 3 अरब आबादी पूरी तरह से प्रभावित है, जो बंदी का सामना कर रही है। अमेरिका, चीन, इटली, स्पेन, जर्मनी, ईरान, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और साउथ कोरिया टॉप 10 प्रभावित देशों में है और दुनिया के 5 लाख से ज्यादा संक्रमित लोगों में 4 लाख लोग इन्हीं देशों में से है। इस संकट की घड़ी में कई देश बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इसमें विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी शामिल है, जिसने चीन और इटली को पछाड़ दिया है। यहाँ संक्रमित लोगों की संख्या 85,000 के पार हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 1200 के ऊपर है। WHO की चीफ ने कोरोना वायरस को रोकने में नाकाम रहने पर वर्ल्ड लीडर्स को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में 1 महीने या फिर 2 महीने पहले ही प्रभावी रूप से काम किए जाने की जरूरत थी। PM नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके। उन्होंने देशवासियों से लॉकडाउन को सफल बनाने की मांग की है। इस बीच लॉकडाउन के कारण कई लोग जगह जगह फंस गए हैं और इनमें से अधिकांश दिहाड़ी मजदूर हैं। भारत में तालाबंदी के बाद घर छोड़ने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। तालाबंदी के बाद मोदी कई बड़े फैसले ले सकते हैं, आइए जानते हैं इस बारे में। संक्रमित व्यक्तियों का पता लगाना। WHO ने पहले ही भारत को चेतावनी दी है कि केवल कोरोना को बंद और पीटा नहीं जा सकता। भारत को कोरोना से संक्रमित लोगों को खोजना होगा और उन्हें जनता से अलग करना होगा। ऐसी स्थिति में सरकार संक्रमित व्यक्तियों को खोजने के लिए एक अभियान शुरू कर सकती है। सभी जरूरतमंदों के लिए आवश्यकता का सामान उपलब्ध कराना। वर्तमान में देश में कुछ लोगों को मुफ्त भोजन प्रदान किया गया है। लॉकडाउन के बाद मोदी सरकार सभी आवश्यक सामान मुफ्त में प्रदान करने के लिए कार्रवाई कर सकती है। जो लोग दिहाड़ी पर काम करते हैं, उनकी मदद सरकार करेगी। लॉकडाउन समय में हो सकती है वृद्धि। 21 दिन के लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस के सकारात्मक मामले लगातार रिपोर्ट किए जा रहे हैं। भारत में कोरोना के कारण 20 मौतें और संक्रमितों की संख्या 900 से ऊपर जा चुकी है। ऐसे में सरकार लॉकडाउन के समय को बढ़ा सकती है। कोरोना वायरस की फ्री में जांच। निशुल्क जांच कराने के लिए सरकार तत्काल कार्रवाई कर सकती है। WHO ने कहा है कि भारत वायरस को तभी नियंत्रित कर सकता है जब वह कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की जांच करे। ऐसी स्थिति में भारत सरकार संक्रमित लोगों की जांच करने के लिए कोरोना टेस्ट को मुफ्त कर सकती है। वर्तमान में कोरोना टेस्ट की कीमत 3500 से 5000 रुपए तक है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आप 21 दिन के बाद अगर लॉकडाउन समय सीमा में वृद्धि की जाती है तो इससे आप सहमत हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।